मैं हूं नुमान सतार। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। एनवायरमेंट कनाडा ने टोरंटो शहर के लिए फ्रीजिंग रेन की वार्निंग जारी कर दी। शहरियों को दौरान ड्राइविंग एहतियात का मशवरा, फिसलन के बाद सड़कों पर ड्राइविंग मुश्किल हो जाएगी। कनाडा में रियल एस्टेट मार्केट साल 2023 में सुस्त रहेगी। खरीदारों का मार्केट में वापसी का रुझान कम रहेगा। माहिरीन का कहना है कि शरह सूद में इजाफा या बेंचमार्क कम करने से मार्केट में तेजी आ सकती है। टोरंटो बोर्ड ऑफ हेल्थ ने शहर के वार्मिंग सेंटर्स की कवायद में तब्दीली के लिए तहरीक मंजूर कर ली। सिटी काउंसिलर का कहना है कि वार्मिंग सेंटर का मौजूदा मयार बहुत सख्त है। 15 अप्रैल 2023 तक हफ्ते के सातों दिन 24 घंटे वार्मिंग सेंटर खुले रखने की तजवीज। अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया में तूफान का सिलसिला थम गया। तकरीबन 24,000 घरों को बिजली की फराहमी मुनकता है। सदर जो बाइडन जुमेरात को कैलिफोर्निया के सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा करेंगे। रूस और बेलारूस की मुश्तरका फौजी मशकें, मगरबी ममालिक में तश्वीश की लहर। 16 जनवरी से 1 फरवरी तक फजाई मशकें जारी रहेंगी। यूक्रेनी सदर का मगरबी इतिहादियों से मजीद हथियार फराहम करने का मुतालबा। हेडलाइन आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। लॉन्ड्री इज नो लॉन्गर अ हैसल। Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. एनवायरमेंट कनाडा ने टोरंटो शहर के लिए मुंजमद बारिश की वार्निंग जारी करते हुए कहा है कि इस हफ्ते के आखिर तक मुमकिन शदीद बर्फबारी से पहले मंगल के रोज शहर में बर्फीली बारिश मुतवक्के है। मजीद तफसीलात के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। एनवायरमेंट कनाडा ने टोरंटो शहर के लिए मुंजमद बारिश की वार्निंग जारी करते हुए कहा है कि इस हफ्ते के आखिर तक मुमकिन बर्फबारी से पहले मंगल के रोज शहर में बर्फीली बारिश मुतवक्के है। विफाकी मौसमियाती एजेंसी ने इंतबाह में कहा कि सतहों पर चंद मिलीमीटर बर्फ जमा हो सकती है। पेशन गोई में कहा गया है कि यह मंगल की सुबह देर से या मंगल की सुपहर तक हल्की बारिश में बदल जाएगी। एनवायरमेंट कनाडा ने कहा कि सड़कें, शाहराहें, वॉकवेज और पार्किंग लॉट्स बर्फीली और वहां पर फिसलन हो सकती है। एनवायरमेंट कनाडा मोटरसाइकिलों पर जोर दे रहा है कि अगर सड़क की हालत फिसलन वाली हो तो रफ्तार कम करें, आगे टेल लाइट्स पर नजर रखें और गाड़ियों के दरमियान महफूज फासला बरकरार रखें। एजेंसी ने मजीद कहा कि मुंजमद बारिश का शहर में रश के औकात में ट्रैफिक पर नुमाया असर पड़ सकता है। माहिरीन मौसमियात का कहना है कि मौसम सरमा का एक मुमकिन तूफान जुमेरात को तेज हवाओं के साथ बुध को रात भर बर्फबारी कर सकता है, जबकि दर्जा हरारत के लिहाज से बर्फ दोबारा बारिश में तब्दील हो सकती है। कैनेडियन रियल एस्टेट एसोसिएशन को तवक्को है कि 2023 में घरों की फरोख्त 1% से भी कम हो जाएगी और कीमतें 2022 के मुकाबले में तकरीबन 6% कम हो जाएंगी। कैनेडियन रियल एस्टेट एसोसिएशन को तवक्को है कि घरों की फरोख्त 1% से भी कम हो जाएगी और कीमतें 2022 के मुकाबले में तकरीबन 6% कम हो जाएंगी, जिसका अख्तिताम मार्केट सुस्त हालत में हुआ क्योंकि खरीदो फरोख्त में नुमाया कमी देखने में आई। माहिरीन ने खबरदार किया है कि खरीदारों को मार्केट में वापस आने के लिए कम तरगीब मिलेगी जब तक के शरह सूद में इजाफा ना हो जाए या बेंच मार्क गिरना शुरू ना हो। माहिरीन इक्तिसादियात पेशन गोई कर रहे हैं कि बैंक ऑफ कनाडा इस महीने के आखिर में कम अज कम एक और शरह में इजाफा करेगा ताकि सख्त अफरात जर का मुकाबला किया जा सके। एसोसिएशन की पेशन गोई 2023 में गर्मियों के बाद से मुस्तहकम होने वाली फरोख्त की कमो बेश पर मबनी है। बढ़ती हुई शरह सूद और आला गैर यकीनी सूरत हाल
फरोख्त की सरगर्मी में कमी की तरफ एडजस्टमेंट की तजवीज़ पेश करती है। 2024 के लिए कैनेडियन रियल एस्टेट एसोसिएशन को तवक्को है कि घरों की फरोख्त में 10.2% इजाफा होगा, क्योंकि मार्केटें मामूल पर आ रही हैं, जबकि उसे तवक्को है कि 2023 से 2024 तक कौमी औसत घर की कीमत 3.5% से बढ़कर 685,056 डॉलर के लगभग हो जाएगी, जो 2022 से कम है लेकिन 2021 के बराबर होगी। ये पेशन गोयां कैनेडियन हाउसिंग के लिए एक हंगामा खेज साल के बाद सामने आई है, जिसका आगाज वैनकोवर और टोरंटो जैसे अहम बाजारों में घरों के साथ हुआ जब शरह सूद कम रही। माहिरीन के मुताबिक मौसम बहार में कीमतों में इजाफा हुआ, जिसने तेजी से फरोख्त को मुतासर किया, क्योंकि बेचने वाले अपने घरों को बाजार से बाहर ले गए ताकि कीमतें दोबारा बढ़ने का इंतजार करें, और खरीदारों ने फैसला किया कि उनके रहन की अदायगी खरीदारी के लिए बहुत ज्यादा होगी। दिसंबर में घर की असल कौमी औसत कीमत 6,26,318 डॉलर थी, जो 2021 के आखिरी महीने में 12% से कम है। टोरंटो बोर्ड ऑफ हेल्थ ने बेघर होने वालों पर सर्द मौसम के असरात से निमटने के लिए एमरजेंसी वार्मिंग सेंटर के इस्तेमाल का जायजा लेने के लिए एक तहरीक मंजूर की है। तफसीलात के लिए देखते हैं एक रिपोर्ट। टोरंटो बोर्ड ऑफ हेल्थ ने बेघर होने वालों पर सर्द मौसम के असरात से निमटने के लिए एमरजेंसी वार्मिंग सेंटर्स के इस्तेमाल का जायजा लेने के लिए एक तहरीक मंजूर की है। सिटी काउंसिलर्स और बेघर होने का सामना करने वाले लोगों के वकील पॉलिसी में तब्दीलियों का मुतालबा कर रहे हैं, ये दलील देते हुए कि मराकज खोलने का मौजूदा मयार बहुत सख्त है और जिंदगियों को खतरे में डालता है। मौजूदा इंतहाई सर्द मौसम की इंतबाह की पॉलिसी उस वक्त वार्मिंग सेंटर को खोलने की इजाज़त देते हैं जब दर्जा हरारत बगैर सर्द हवाओं के -15°C से नीचे और सर्द हवाओं के साथ -20°C तक चला जाता है। काउंसलर्स इस्मा मलिक, एलेजेंड्रा ब्रावो और गोड प्रिक्स, जो सभी बोर्ड ऑफ हेल्थ में बैठे हैं, ने एमरजेंसी वार्मिंग सेंटर्स को खोलने और ऑपरेशन से मुतालिक तमाम पॉलिसियों और तरीक़ाकार पर नज़रसानी की दरख्वास्त की। बोर्ड ने तरजीही बुनियादों पर 15 अप्रैल 2023 तक हफ्ते के सातों दिन 24 घंटे वार्मिंग सेंटर खुले रखने की सिफारिश की। टोरंटो बोर्ड ऑफ हेल्थ ने बेघर होने वालों पर सर्द मौसम के असरात से निमटने के लिए एमरजेंसी वार्मिंग सेंटर्स के इस्तेमाल का जायजा लेने के लिए एक तहरीक मंजूर की है। वकला तवील अरसे से हालात के नाजुक होने से पहले ही वार्मिंग सेंटर्स खोलने की अहमियत पर जोर देते रहे हैं, और अगर सर्दियों के महीनों में 24 घंटे हफ्तों के सातों दिन नहीं तो ज्यादा कसरत से खोले जाएं। माहिरीन का कहना है कि हकीकत में बेहतरीन मुतालियात से पता चलता है कि -5°C एक बेहतर हद है, खास तौर पर कनाडा जैसी जगह में, और इससे आगे लोगों को उंगलियां, पंजे, आजा के खोने का हकीकी खतरा लाहक होना शुरू हो जाता है, जैसा कि कुछ लोगों ने पिछले साल किया था। टोरंटो में पिछले साल कम से कम 5 अफराद मुंजमद मौत के मुंह में पाए गए थे। कैलिफोर्निया में तूफान और शदीद बारिशों के बायस अमवात की तादाद 19 हो गई है, जबकि 80 लाख अफराद के इलाके के लिए सैलाब का खतरा अब भी बरकरार है। तफसीलात के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। अमरीका की रियासत कैलिफोर्निया में तूफानों का सिलसिला थम गया। कैलिफोर्निया में तूफान और शदीद बारिशों के बायस अमवात की तादाद 19 हो गई है, तो 80 लाख अफराद के रिहाइश पजीर होने वाला इलाके के लिए सैलाब का खतरा बरकरार है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कैलिफोर्निया में अब भी तकरीबन 24,000 घरों को बिजली की फराहमी मुनक़ता है। कैलिफोर्निया के कुछ इलाके अब भी जेरे आब हैं, जहां पर बहाली का काम जारी है। कैलिफोर्निया जियोलॉजिकल सर्वे के बयान में कहा गया है कि खलीजी इलाका समेत रियासत में जहाँ तकरीबन 80 लाख अफराद रिहाइश पजीर हैं, वहाँ सैलाब का खतरा बदस्तूर बरकरार है और इलाके के मौसमी वाकयात पर गहरी नजर रखी जा रही है। दूसरी जानिब व्हाइट हाउस की जानिब से जारी करदा पैगाम के मुताबिक अमरीकी सदर जो बाइडन जुमेरात को कैलिफोर्निया के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। व्हाइट हाउस का कहना है कि अमरीकी सदर तूफानों से होने वाली तबाही और इजाफी विफाकी इमदाद की जरूरत का जायजा लेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कैलिफोर्निया में 3 हफ्तों में तूफानों के बायस मुख्तलिफ हादसात में 20 अमवात हो चुकी हैं। रूस और बेलारूस ने मुश्तरका फौजी मशकें शुरू कर दी हैं, जिससे यूक्रेन और मगरब में ये खदशा पैदा हो गया है कि रूस अपने इत्तेहादी मुल्क को यूक्रेन में नई ज़मीनी कार्रवाई शुरू करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। तफसीलात के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। रूस और बेलारूस ने मुश्तरका फौजी मशकें शुरू कर दी हैं, जिससे यूक्रेन और मगरब में ये खदशा पैदा हो गया है कि रूस अपने इत्तेहादी मुल्क को यूक्रेन में नई ज़मीनी कार्रवाई शुरू करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बेलारूस की वजारत दिफा ने कहा कि दोनों इत्तेहादी बेलारूस के तमाम फौजी हवाई अड्डों का इस्तेमाल करते हुए 16 जनवरी से 1 फरवरी तक फिजाई मशकें करेंगे। बेलारूस का कहना है कि ये फिजाई मशकें दिफाई मकासद के लिए की जा रही हैं और ये जंग का हिस्सा नहीं बनेंगी।
रूस ने गुज़िश्ता बरस फरवरी में यूक्रेन पर हमले के लिए बेलारूस को सहारे के तौर पर इस्तेमाल किया था। डेनप्रो हमले के बाद यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने खिताब में मग़रबी इत्तेहादियों से मुतालबा किया कि वो रूस की दहशतगर्दी और शहरी इलाकों पर हमलों को ख़त्म करने के लिए मजीद हथियार फराहम करें। बरतानिया ने फ्रांस और पोलैंड की तरह मजीद हथियारों का वादा करते हुए कहा कि वो आने वाले हफ्तों में अपने चैलेंजेस 2 मेन जंगी टैंकों में से 14 टैंक और दीगर जदीद हथियार भी फराहम करेगा। यूक्रेन के लिए मग़रबी साख्ता टैंकों की पहली तरसील को रूस तनाजे में इजाफे के तौर पर देख रहा है। लंदन में रूसी सिफारत खाने ने कहा कि ये टैंक तस्सादुम को हवा देंगे। टेक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए टेक टीवी।